हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, हम लोग मैथ्स में चैप्टर टाइम एंड डिस्टेंस को देख रहे थे और क्वेश्चन नंबर 20 तक ऑलरेडी हो चुका है और इसे टू बी कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल में नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैथ्स एंड रीजनिंग का फुल कंसेप्ट के साथ आपको सारा वीडियोज़ मिलता रहेगा, आप तक पहुँचता रहेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए बगैर समय को गवाते हुए क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो फ्रेंड देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें लिखा गया फ्रेंड्स कि अपनी वास्तविक गति का 4/5 गति पर चलने से एक व्यक्ति 3/2 घंटे देर पहुंचता है, उसके पहुंचने का वास्तविक समय क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, वास्तविक गति का 4/5 का मतलब ये हो गया कि नीचे का जो वैल्यू 5 दिख रहा वो उसका रियल स्पीड है, और ऊपर का जो वैल्यू 4 दिख रहा वो उसका चेंजिंग स्पीड है, जो कि ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। यहाँ पे कम दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे ऐसा अगर कभी अगर फ्रिक्शन अगर दिया गया है, जैसे कि यहाँ 4/5 अगर दिया गया है, तो नीचे का जो वैल्यू होगा यह हमेशा याद रखिएगा रियल स्पीड को बताएगा, रियल स्पीड को बताएगा, और ऊपर का जो वैल्यू होगा ये हमेशा चेंजिंग स्पीड को बताएगा, चेंजिंग, यह हमेशा चेंजिंग स्पीड को बताएगा, स्पीड को बताएगा। तो यहाँ पे क्या बता रहा फ्रेंड्स, उसका रियल स्पीड कितना 5 है, लेकिन वो किस स्पीड से चल रहा है, 4 के स्पीड से चल रहा है। मतलब हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये आपका ये रियल स्पीड हो गया और यहाँ पे आपका चेंजिंग स्पीड हो गया। यहाँ पे हम लोग ये स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, तो स्पीड का रेशियो रियल कितना दिया गया फ्रेंड, तो यह 5 है, और चेंजिंग स्पीड कितना दिया गया, 4 है, 4 है। ऐसा करने से क्या होता है कि व्यक्ति जो है 3/2 घंटा देर से पहुंचता है। मतलब यहाँ पे हमको डिफरेंस टाइम भी दिया गया, ये डिफरेंस डिफरेंस टाइम भी दिया हुआ है, डिफरेंस टाइम दिया गया है। हम लोग को लिखा गया कि 3/2 घंटा क्या होता है, देर से पहुँचता है। 3/2 घंटा को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, तो हम लोग बोल सकते हैं इसको लिखेंगे 1.5 आवर। क्या होता है, लेट से पहुंचता है, देर से पहुंचता है, देर से पहुंचता है, देर से पहुंचता है या पहले पहुंचता है, ये डिफरेंस को शो करेगा, अंतर को बताएगा। अब देखिए, हम लोग ऐसा कुछ जानते हैं कि अगर स्पीड को अगर क्रॉस करके लिखेंगे तो ये हमेशा क्या बताएगा फ्रेंड्स, ये टाइम का रेशियो बताता है। क्या बताता है, ये टाइम का रेशियो बताता है। मतलब यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। और ये चूंकि अंतर दिया गया है तो क्या करेंगे फ्रेंड, तो रेशियो को घटा के डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे डिफरेंस इसका कितने का दिख रहा था, ये 1 का दिख रहा, 1 का दिख रहा, 1 से डिवाइड देंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 1.5, ये 1.5 आवर आएगा। मतलब यहाँ पे रियल स्पीड में, रियल स्पीड में टाइम कितना लगा फ्रेंड, तो इसका रियल स्पीड का टाइम का रेशियो 4 दिख रहा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, 15 × 60 मतलब 60 हो जाएगा। एक अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे ये हट जाएगा। मतलब यहाँ पे कितना लगा था, 6 घंटा लगा। कहाँ पे लगा है, तो रियल स्पीड में, रियल स्पीड में जो टाइम लगा है वो लगा 6 घंटा। हमसे शायद यही पूछा जा रहा, तो उसके पहुँचने का वास्तविक समय बताना है, तो पहुँचने का वास्तविक समय 6 आवर होगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। देखिए, लिखा गया, यदि कोई व्यक्ति अपनी सामान्य गति का 5/6 गति से चलता है तो वह गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देर से पहुंचता है। उसके गंतव्य स्थान पर पहुंचने की सामान्य समयावधि कितनी है। सेम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमको फ्रैक्शन दिया गया है। क्या दिया गया है कि सामान्य गति की 5/6 गति से चलता है, 5/6 के स्पीड से चलता है, तो ये जो बताएगा ये हमको क्या बताएगा, ये रियल स्पीड को शो करेगा, ये रियल स्पीड को शो करेगा। और ये किसको शो करेगा, तो ये चेंजिंग स्पीड को बताएगा। किसको बताएगा फ्रेंड्स, ये चेंजिंग स्पीड को बताएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे ये रियल स्पीड हो गया और यहाँ पे चेंजिंग स्पीड हो गया। रियल स्पीड कितना है फ्रेंड, तो यहाँ 6 है, और चेंजिंग स्पीड कितना है, तो मेरे पास यहाँ 5 है। ये क्या बता रहा था, ये स्पीड का रेशियो है। ये किस चीज का रेशियो है फ्रेंड, तो ये स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। आगे लिखा गया, तो वह गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देर से पहुंचता है। मतलब हमको डिफरेंस टाइम दिया गया, डिफरेंस टाइम दिया गया, डिफरेंस टाइम कितने का दिया गया फ्रेंड्स, ये 10 मिनट का दिया गया, 10 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट का दिया गया, 10 मिनट देर से पहुंचता है।
हम लोग जानते हैं कि यदि अगर स्पीड दिया गया है उसको अगर क्रॉस करके लिखेंगे तो क्या बताएगा हमको, टाइम का रेशियो बताएगा। मतलब इसको हम इधर लिख सकते हैं, इसको इधर लिखेंगे, ये मेरा क्या बताएगा, ये टाइम का रेशियो बताएगा, टाइम का रेशियो बताएगा। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो 5:6 हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि जब अंतर दिया रहेगा तो क्या करेंगे, रेशियो को घटा के भागा देंगे। मतलब इसका अंतर कितने का दिख रहा फ्रेंड्स, बोलेंगे अंतर 1 का दिख रहा, मतलब 1 से अगर डिवाइड देंगे तो 10 टाइम्स में ही कटेगा। मतलब रियल स्पीड में हम लोग का टाइम कितना बताएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना दिया गया है, रेशियो कितना है 5 है, 5 को 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को 50 मिनट्स बताएगा, 50 मिनट्स बताएगा। और हमसे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा, तो उसके है ना गंतव्य स्थान पर पहुँचने की समयावधि कितनी है, तो बोलेंगे 50 मिनट होगा, जो कि फाइनली आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 23 लिखा गया, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के 3/5 चाल से चलकर चलने पर अपने निर्धारित स्थान पर 5/2 घंटे देरी से पहुंचता है। अपने निर्धारित स्थान तक पहुंचने में उस व्यक्ति द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स यहां पे भी देखिए क्या है, एक फ्रैक्शन दिया गया है, वो फ्रैक्शन हमको लिखा गया 3/5। क्या लिखा गया, 3/5। तो नीचे का जो वैल्यू होता है वो हमेशा क्या बताएगा, ये रियल स्पीड को बताएगा। किसको बताएगा, ये रियल स्पीड को बता रहा। और ऊपर का जो वैल्यू है ये मेरा क्या बता रहा फ्रेंड, ये चेनिंग स्पीड को बता रहा। किसको बता रहा, चेनिंग स्पीड को बता रहा। तो यहाँ पे हो गया मेरा रियल स्पीड हो गया, आइए मेरा चेनिंग स्पीड हो गया। तो रियल स्पीड का रेशियो कितना फ्रेंड्स, 5 है, और चेनिंग स्पीड का वैल्यू कितना दिया गया, 3 है। तो ये क्या बता रहा, ये स्पीड को शो कर रहा। किसको शो कर रहा फ्रेंड, तो ये स्पीड को शो कर रहा है। अब हम लोग जानते हैं कि स्पीड को क्रॉस करने से क्या आता है, तो टाइम का रेशियो आता है, टाइम का रेशियो आता है। मतलब टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा फ्रेंड, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आगे ये भी लिखा गया, तो निर्धारित स्थान पर 5/2 घंटे देरी से पहुँचता है। मतलब डिफरेंस टाइम हम लोग का दिया गया है, डिफरेंस टाइम हम लोग का दिया गया फ्रेंड्स, कितने का दिया गया है, तो डिफरेंस टाइम दिया गया 5/2 आवर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2.5 आवर। क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, 2.5 आवर लिख सकते हैं। अब हमको मालूम है कि यदि अगर डिफरेंस दिया गया तो क्या करेंगे, रेशियो को घटा के भागा देंगे। मतलब यहाँ पे इसके अंतर कितने का दिख रहा फ्रेंड, तो इसका अंतर हम लोग का 2 का दिख रहा। मतलब 2 से अगर डिवाइड देंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 1.25 आवर आएगा, 1.25 आवर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा, तो अपने निर्धारित स्थान तक पहुँचने में उस व्यक्ति द्वारा लिए जाने वाला सामान्य समय बताना है। तो यदि अगर हम इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, एक यूनिट का वैल्यू कितना दिख रहा, 1.25 आवर है। तो 1.25 आवर से यदि अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो हो जाएगा 375। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि 2 अंक के बाद पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। इतना क्या बताएगा, इतना हम लोग को ये आवर बताएगा। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ 3 घंटा 75 मिनट है। 3 घंटा 75 मिनट मतलब कितना बोल सकते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे 1 आवर अगर इसको अगर दे दिया जाए तो हो जाएगा 4 घंटा 15 मिनट, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन 24 लिखा गया कि ए तथा बी दोनों एक ही स्थान पर क्रमशः 40 किलोमीटर पर आवर तथा 50 किलोमीटर पर आवर की गति से चलते हैं। यदि ए यात्रा में बी से 5 मिनट अधिक लेता है तो यात्रा की दूरी बताना है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 2 आदमी हैं, एक ए है और दूसरा कौन है, बी है। और यहाँ पे हम लोग स्पीड का रेशियो हम लोग को दिया गया, स्पीड का वैल्यू दिया गया है। यानी ए का स्पीड जो है, ए का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, और बी का स्पीड हमको दिया गया 50 किलोमीटर पर आवर है। दोनों का स्पीड दिया गया है,
लेकिन हम लोग जानते हैं कि स्पीड को क्रॉस करने से क्या आएगा फ्रेंड, तो ये हम लोग का टाइम का रेशियो बताएगा। किस चीज़ का रेशियो बताएगा, तो ये हम लोग का टाइम का रेशियो बताएगा, जो कि यहाँ पे 50 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, यानी कि हम लोग का 5:5:5:4 होगा। आगे लिखा गया कि यदि ए तथा यदि ए यात्रा में 20 से 15 मिनट अधिक लेता है, मतलब डिफरेंस टाइम हम लोग को दिया गया, डिफरेंस टाइम दिया गया कितने का दिया गया फ्रेंड्स, तो लिखा गया 15 मिनट्स 15 मिनट क्या लेता है, अधिक लेता है। तो अंतर अगर दिया गया क्या करेंगे, रेशियो को घटा के भागा देंगे, मतलब यहाँ पे हम लोग घटा के भागा देंगे, 1 से कर देंगे तो 15 टाइम्स में घटेगा। तो हमसे पूछा जा रहा तो यात्री की दूरी बताना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप ये फाइंड कीजिए कि ए और बी को टोटल कितना समय लगा, यानी अगर इससे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 15 से 15 75 मिनट लगेगा। और यदि अगर इससे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स 15 से 15 60 मिनट लगेगा। तो हमसे अगर देखना है तो डिस्टेंस अगर देखेंगे अगर हम डिस्टेंस अगर निकालते हैं फ्रेंड डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड अगर हम बात करेंगे, अगर हम ए से अगर लेके चलेंगे तो ए का स्पीड कितना दिया गया, 40 का स्पीड है। इसको टाइम कितना लग रहा फ्रेंड, तो 75 मिनट लग रहा। और इसको अगर हम आवर में अगर चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड देना पड़ेगा, मतलब हम लोग कट कर सकते हैं, यहाँ पे 15 से काटेंगे 15 6 60 हो जाएगा, 15 5 75 हो जाएगा, और 4 से 10 बार में काट देंगे तो फाइनली कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, हम बोल सकते हैं 10 5 50 यानी 50 किलोमीटर होगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। यदि कोई अगर चाहे फ्रेंड, तो यदि अगर कोई चाहे तो इधर से भी निकाल सकते हैं। देखिए डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर हम बी से अगर फाइंड करेंगे तो बी का स्पीड कितना दिया गया, 50 का दिया गया है, और बी से टाइम कितना लग रहा, तो 60 मिनट लग रहा। इसको घंटा में अगर देखेंगे तो हम लोग को 60 से डिवाइड देना पड़ेगा, मतलब ये कट जाएगा, यानी हो जाएगा 50 किलोमीटर हो जाएगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। आता फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25, देखिए लिखा गया कि एक बस दिल्ली से अंबाला 50 किलोमीटर पर आवर की गति से जाती है और उसी रास्ते 40 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आती है, यदि वह वापसी यात्रा में एक घंटा अधिक समय लेता है तो दिल्ली से अंबाला के बीच की दूरी क्या है। तो फ्रेंड देखिए लिखा गया क्या है कि अंबाला जो है 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, दो तरह का स्पीड है, एक जाने का स्पीड है जो कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, और ये आने का जो स्पीड है ये हम लोग को दिया गया है, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है। ये हम लोग को क्या दिया गया फ्रेंड्स, ये हम लोग को दिया गया स्पीड दिया गया है। और स्पीड को क्रॉस करने से क्या मिलेगा, तो स्पीड को क्रॉस करने से टाइम का रेशियो मिलेगा फ्रेंड। तो हम बोल सकते हैं 40 इधर आ जाएगा और 50 इधर चला जाएगा, 0:0 कट जाएगा, यानी 4:5 होगा, 4:5। ये हम लोग क्या आया, ये टाइम का रेशियो आया। आगे लिखा गया तो यदि वह वापसी यात्रा में एक घंटा अधिक समय लेता है, मतलब ये हुआ कि डिफरेंस टाइम हम लोगों को दिया गया, डिफरेंस टाइम कितने का दिया गया फ्रेंड्स, लिखा गया कि एक घंटा ज़्यादा लगता है। और हम लोग जानते हैं कि जब अंतर दिया रहेगा क्या करेंगे फ्रेंड्स, रेशियो को घटा के भागा देंगे कितना से, तो 4 और 5, यानी एक का डिफरेंस एक से अगर डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब हमको ये हुआ फ्रेंड्स कि जाने में जो समय लगा है उसका रेशियो कितना है, 4 है, इसको 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4 घंटा जाने में लगा है, और आने में क्या समय लगा फ्रेंड, तो इसको अगर हम 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 घंटा क्या लगा, ये आने में लगा, ये दोनों टाइम हम लोग का निकल गया। अब हमसे पूछा क्या जा रहा, तो दिल्ली से अंबाला के बीच की दूरी बताना है। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बराबर हो जाता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना दिया गया फ्रेंड, देखिए जाने का हम लोग का स्पीड दिया गया 50 है, ये 50 है। और यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है, 4 घंटा लग रहा,
यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा था 200 किलोमीटर होगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन 26 लिखा गया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर अमित अपने स्कूल में नियत समय से 15 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो नियत समय से 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, उसके स्कूल तथा घर के बीच की दूरी क्या होगा। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे हम लोग का स्पीड दो तरह का दिया गया। यदि अगर वह 3 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से अगर चलता है, ये हमको स्पीड के बारे लिखा गया, यदि 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चलता है तो उसको 15 मिनट लेट से पहुंचता है, यानी 15 मिनट जो है फ्रेंड्स, 15 मिनट जो है वह लेट हो जाता है। फिर बोला गया, यदि वह 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, दूसरा स्पीड भी हमको दिया गया कि यदि अगर 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चलता है तो 15 मिनट पहले पहुंचता है, यानी कि 15 मिनट क्या होता है फ्रेंड, तो ये बिफोर पहुंचता है। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे डिफरेंस टाइम अगर हम लोग देखेंगे, डिफरेंस टाइम तो डिफरेंस टाइम देखिए, यहाँ पे ये लेट हो रहा है और यहाँ पे पहले हो रहा है, तो लेट और पहले क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लेट मतलब यहाँ पे ये लेट से पहुँच रहा है, लेट से देर से पहुँच रहा है और ये पहले पहुँच रहा है, तो दोनों क्या हो जाएगा एड हो जाएगा, 30 मिनट्स का डिफरेंस होगा, 30 मिनट्स का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये डिफरेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि स्पीड को क्रॉस करने से क्या आएगा, तो ये टाइम का रेशियो बताएगा, किस चीज़ का रेशियो बताएगा, तो ये टाइम का रेशियो बताएगा, तो टाइम का रेशियो क्या आएगा फ्रेंड, तो 4:3 होगा, 4:3 होगा, और अंतर दिया गया क्या करेंगे, रेशियो को घटा के भागा देंगे, मतलब 1 सेकंड डिवाइड देंगे, तो ये 30 टाइम्स में कटेगा, 30 टाइम्स में, मतलब ये हुआ कि वह 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जा रहा तो यहाँ पे उसको टाइम कितना लग रहा फ्रेंड्स, इसको यदि अगर हम लोग 30 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मिनट लगेगा, कितना लगेगा 120 मिनट लगेगा, और यदि वह 4 की स्पीड से अगर जा रहा है, इसको अगर हम लोग 30 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 90 मिनट्स होगा। तो हमसे क्या पूछा जा रहा, तो उसके स्कूल तथा घर के बीच की दूरी बताना है। तो फ्रेंड्स हम लोग बोल सकते हैं कि देखिए, हम लोग डिस्टेंस निकालना स्कूल तथा घर के बीच की दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितने का है फ्रेंड, देखिए जाने का जो है 3 की स्पीड से अगर जा रहा तो समय कितना लग रहा है 120 मिनट लग रहा, जिसको घंटा में अगर चेंज करेंगे तो हम लोग 60 से डिवाइड देना पड़ेगा, 60 से काटेंगे दो बार में कट जाएगा, मतलब 3 दूना 6 किलोमीटर होगा जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। यदि कोई अगर इससे अगर निकालना चाहे तो भी निकाल सकते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम यानी कि स्पीड अगर इसको अगर यूज करेंगे, 4 की स्पीड से अगर जा रहा तो उसको समय कितना लग रहा, तो 90 मिनट लग रहा। इसको अगर घंटा में अगर चेंज करेंगे 60 से डिवाइड देना पड़ेगा, मतलब बोल सकते हैं 15 से काटेंगे तो 15 × 6 = 90 हो जाएगा, 15 × 6 = 60 हो जाएगा, 4 × 4 कट जाएगा, मतलब यहाँ पे 6 किलोमीटर आएगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन 27 लिखा गया, एक विद्यार्थी यदि 2.5 किलोमीटर पर आवर की गति से स्कूल जाता है तो वह 6 मिनट देर से पहुंचता है, यदि वह 3 किलोमीटर पर आवर की गति से स्कूल जाए तो वह 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, घर से उसके स्कूल तक की दूरी क्या है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे भी हम लोग को दो तरह का स्पीड दिया गया, यदि 2.5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड यूज करता है तो उसको 6 मिनट देर से पहुंचता है, मतलब यहाँ पे 6 मिनट जो है, 6 मिनट क्या होता है फ्रेंड, तो 6 मिनट उसको लेट हो जाता है,
और यदि वह 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, यदि वह 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चलता है, ये हम लोग का स्पीड दिया गया स्पीड, अगर 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जाता है तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो लिखा गया 10 मिनट क्या होता है फ्रेंड, तो ये बिफोर यानी जल्दी पहुंच जाता है, बिफोर पहुंच जाता है। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे डिफरेंस टाइम अगर देखा जाए, डिफरेंस टाइम अगर हम लोग देखेंगे तो डिफरेंस टाइम कितने का हो जाएगा फ्रेंड, तो ये हो जाएगा हम लोग का 16 मिनट्स का ये हम लोग का डिफरेंस टाइम हो गया। और हम लोग का ये स्पीड दिया गया, स्पीड को क्रॉस करने से क्या आता है फ्रेंड, तो टाइम का रेशियो आता है, हम लोग इसको क्रॉस करके लिख लेंगे इस तरह से, तो बोलेंगे यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.5 होगा, यानी कि हम यदि अगर इस पॉइंट को अगर हटा देते यहाँ पे 0 हो जाएगा और इसको हम लोग 5 से कट कर देंगे 6 टाइम्स में और 5 से कट करेंगे ये 5 टाइम्स में कट जाएगा। मतलब यहाँ पे हम लोग का ये अंतर दिया गया फ्रेंड्स, क्या दिया गया अंतर दिया गया, तो रेशियो को घटा के भागा देंगे, इसका अंतर कितने का दिख रहा है, तो अंतर हम लोग का 1 का दिख रहा है, 1 से अगर डिवाइड देंगे कितना आएगा फ्रेंड्स 16 आएगा। मतलब ये हुआ कि हम लोग को अगर 2.5 की स्पीड से अगर जा रहा तो उसमें टाइम कितना लगा फ्रेंड, तो इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 × 96 96 मिनट लगा, कितना मिनट लगा तो 96 मिनट लगा। तो हम लोग बोल सकते हैं हमसे क्या पूछा जा रहा, तो घर से उसके स्कूल तक की दूरी बताना है, तो फ्रेंड्स हम बोलेंगे डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना का दिया गया फ्रेंड, तो स्पीड देखिए हम लोग का 2.5 का स्पीड है, 2.5 का स्पीड है और टाइम कितना दिया गया फ्रेंड, तो टाइम देखिए हम लोग 96 मिनट्स, जिसको यदि अगर घंटा में अगर चेंज करेंगे तो नीचे हम लोग का 60 लिखना पड़ेगा। मतलब इसको हम लोग यहाँ पे पॉइंट अगर हटेगा तो नीचे कितना हो जाएगा, तो यह 10 हो जाएगा, यानी इसको हम लोग अगर हम लोग इसको काट देंगे फ्रेंड्स, कितने से काटते हैं, तो इसको हम लोग अगर 6 से अगर काटेंगे तो 16 × 96 हो जाएगा, 16 × 96 हो जाएगा, और हम लोग 6 से काटेंगे कितने बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा। फिर यहाँ पे हम लोग कट कर सकते हैं, 5 से कट करेंगे तो 5 × 5 = 25, और 5 × 2 = 10 हो जाएगा, 2 से कट कर देंगे 8 टाइम्स में, और फिर हम लोग कट जाएगा फ्रेंड्स 5 से 2 टाइम्स में और 2 से 4 टाइम्स में, मतलब क्या हुआ 4 किलो है ना हम लोग का, मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, इसलिए हम लोग बोलेंगे यहाँ पे हम लोग का डिस्टेंस कितने का आ गया फ्रेंड, तो बोलेंगे 4 किलोमीटर होगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन 28 देखिए, लिखा गया यदि गोपाल 4 किलोमीटर पर आवर की गति से पैदल चले तो वह स्कूल निर्धारित समय से 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। यहाँ पे देखिए दो तरह का स्पीड दिएगा, पहला दिया गया है यदि 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है फ्रेंड्स, तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, 10 मिनट यानी कि यहाँ पे 10 मिनट क्या होता है, ये जल्दी पहुंच जाता है यानी बिफोर पहुंचता है। आगे लिखा गया यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल जाए, यदि वह 3 किलोमीटर पर आवर की गति से अगर चलता है तो निर्धारित समय से 10 मिनट देर से पहुँचता है। तो यहाँ पे निर्धारित समय से 10 मिनट क्या होता है फ्रेंड्स, ये लेट हो जाता है। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग डिफरेंस टाइम अगर हम लोग देखेंगे तो डिफरेंस टाइम कितने का हो जाएगा फ्रेंड, तो ये 20 मिनट्स का हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि स्पीड को क्रॉस करने से क्या आता है, तो ये टाइम का रेशियो आता है। मतलब यहाँ पे हम लोग का टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे हो जाएगा 3:4। तो यहाँ पे हम लोग का अंतर दिया गया फ्रेंड, तो क्या करेंगे रेशियो घटा के भागा देंगे। मतलब अंतर कितने का दिख रहा है, तो अंतर हम लोग का ये 1 का दिख रहा है, 1 से अगर डिवाइड देंगे तो यहाँ पे 20 ही आएगा, कितना आएगा 20 आएगा। तो हमसे पूछा जा रहा तो उसके घर से स्कूल की दूरी बताना, उसके घर से स्कूल की दूरी, तो फ्रेंड सबसे पहले जानिए कि अगर वो 4 की स्पीड से अगर जाएगा तो उसमें कितना समय लगेगा, इसको यदि अगर हम लोग 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 60 मिनट्स लगेगा। और यदि अगर वो 3 की स्पीड से अगर जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग ये 80 मिनट्स लगेगा।
कहीं एक से हम लोग निकाल सकते, यानी हम लोग डिस्टेंस अगर निकालना है, डिस्टेंस अगर निकालना है तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है फ्रेंड, तो चलिए इसको लेकर के चलते हैं। अगर 4 की स्पीड से अगर जा रहा, 4 की स्पीड से जा रहा, 60 मिनट अगर लग रहा, 60 मिनट अगर लग रहा, जिसको घंटा में अगर चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड देना पड़ेगा, ये कट जाएगा, यानी हम लोग का 4 किलोमीटर होगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। था फ्रेंड क्वेश्चन 29, इसमें लिखा गया यदि मिस्टर एक्स 4 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलता है तो वह अपने स्कूल 5 मिनट विलंब से यानी कि देर से पहुंचता है। कोई आदमी एक्स है फ्रेंड्स, यदि वह 4 किलोमीटर पर आवर की गति से अगर जाता है, ये स्पीड बता रहा है, स्पीड बता रहा है, 4 की स्पीड से अगर जाता है तो वह 5 मिनट लेट हो जाता है। यह 5 मिनट्स, यानी 5 मिनट क्या होता है फ्रेंड, तो ये 5 मिनट जो वह लेट हो जाता है, 5 मिनट क्या होता है, ये लेट हो जाता है, ठीक है। फिर बोला है कि यदि वह 5 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चलता है तो लिखा गया कि 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी 10 मिनट्स क्या होता है फ्रेंड्स, ये पहले पहुंच जाता है, बिफोर पहुंच जाता है, बिफोर 10 मिनट्स बिफोर पहुंच जाता है। तो इधर अगर हम लोग डिफरेंस टाइम अगर देखेंगे फ्रेंड, डिफरेंस टाइम अगर देखा जाए तो हम लोग 15 मिनट्स का हो जाता है, कितने मिनट का हो जाता है, 15 मिनट्स का हो जाता है। और हम लोग जानते हैं कि स्पीड को क्रॉस करने से क्या आता है, तो ये टाइम आता है, स्पीड को क्रॉस करने से टाइम का रेशियो आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 4 हो जाएगा। अब अंतर अगर दिया गया तो रेशियो को घटा के भागा देंगे, कितना से, तो 1 से डिवाइड देंगे, कितने बार में कटेगा, 15 टाइम्स में कटेगा। मतलब यदि अगर 4 की स्पीड से अगर चलेगा तो टाइम कितना लगेगा फ्रेंड, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 75 मिनट्स लगेगा। तो हमसे पूछा जा रहा बताइए कि उसके घर से स्कूल की दूरी क्या है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है फ्रेंड, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है फ्रेंड्स, 4 का स्पीड है, और टाइम कितना लगेगा, 75 मिनट्स लगेगा, जिसको घंटा में अगर चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड देना पड़ेगा, 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 60 हो जाएगा, 4 कट जाएगा, मतलब 5 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। देखिए 30 में लिखा गया एक सेल्समैन जब 4 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है तो उसके बस स्टॉप तक पहुंचने से 10 मिनट पहले छूट जाता है, मतलब लेट हो जाता है। 10 मिनट क्या होता है फ्रेंड्स, लेट हो जाता है। मतलब देखिए दो तरह की स्पीड है, पहला स्पीड दिया गया यदि अगर 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चलता है तो क्या लिखा गया कि 10 मिनट बस छूट जाती है, यानी कि 10 मिनट लेट हो जाता है। 10 मिनट क्या होता है फ्रेंड, तो यहाँ पे ये लेट हो जाता है ऐसा लिखा गया। आगे लिखा गया यदि वह 5 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है, यदि उसका स्पीड कितना होता है फ्रेंड्स, ये 5 किलोमीटर पर आवर की गति से अगर चलता है तो बस के आने से 5 मिनट पहले वह पहुंच जाता है। तो 5 मिनट बिफोर पहुंचता है फ्रेंड्स, ये 5 मिनट क्या होता है, ये बिफोर पहुंचता है। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे डिफरेंस टाइम अगर देखा जाए तो यहाँ पे 15 मिनट्स का हो जाता है। कितने मिनट्स का हो जाता है, 15 मिनट्स का हो जाता है। और ये हम लोग को दिया गया स्पीड, ये क्या दिया गया, ये स्पीड दिया गया, और स्पीड को क्रॉस करने से आता है टाइम का रेशियो। स्पीड को क्रॉस करने से क्या आता है फ्रेंड, तो ये टाइम का रेशियो आता है, मतलब कितना हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग का अंतर दिया गया, क्या करेंगे, रेशियो घटा के भागा देंगे, मतलब 1 से अगर डिवाइड देंगे 15 टाइम्स में कटेगा। यदि 4 के स्पीड से अगर चल रहा तो उसमें टाइम कितना लगा फ्रेंड, तो टाइम का रेशियो 5 है, 5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 75 मिनट्स लगेगा। तो हमसे पूछा जा रहा बताइए कि उसका मकान बस स्टॉप से कितनी दूर है। तो डिस्टेंस हमको निकालना, डिस्टेंस है, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम।
तो स्पीड कितने का दिख रहा फ्रेंड, तो 4 का स्पीड दिख रहा, 4 का स्पीड दिख रहा। टाइम कितना लग रहा, 75 मिनट्स लग रहा, जिसको घंटा में चेंज करेंगे 60 से डिवाइड देना पड़ेगा, 15 पचे 75, 15 चौके 60 हो जाएगा, 4 कट जाएगा, मतलब 5 किलोमीटर होगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हमें मिलते हैं नेक्स्ट अगला वीडियो में बहुत जल्द। आपको आज वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू।